हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शामल और आज हम बात करेंगे टर्मिनेशन रूल की। और टर्मिनेशन के बाद किसी भी कर्मचारी को कितना पे कंपनी की तरफ से दिया जाता है उसके बारे में हम संक्षेप में जानेंगे। क्योंकि इस विषय पे मैं इसीलिए आपको जानकारी दे रहा हूं, काफ़ी जो हमारे व्यूअर हैं, काफ़ी हमारे ब्लॉग के रीडर हैं, इसके बारे में हमसे जानकारी की उम्मीद रखते हैं। वो इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, वो पूछते हैं कि टर्मिनेशन हमें, हमारा ऐसा टर्मिनेशन करने के लिए हमें बोला गया कंपनी की तरफ से, हमें इस तरह का ऑफ़र दिया गया है, हमें नोटिस पीरियड इस तरह का, मतलब इस तरह से बहुत सारे सवालात लोगों के आते हैं। तो मैंने सोचा इसके बारे में लोगों को थोड़ा सा जानकारी दूँ और हो सकता है इससे आपको बेनिफिट भी मिले। और ज़रूरी नहीं है कि आपका टर्मिनेशन होना हो तभी इस जानकारी को हासिल करें, पहले से जानकारी हासिल करके रखें ताकि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस समय आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अपने जितने भी वर्कर साथी हैं उनको इसकी जानकारी दें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। किसी भी एम्प्लॉय के लिए टर्मिनेशन शब्द जो है ना बहुत कष्टप्रद शब्द होता है, जिसको सुनने से ही उसको अनएम्प्लॉयमेंट का कल्पना मात्र से ही वह कांप जाता है। क्योंकि एम्प्लॉय जॉब के द्वारा ही अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता है और जिसके बाद उसको उसके आगे अंधेरा छा जाता है। उसको ऐसा लगता है उसका जीवन पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं उसको दोबारा नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। और चूंकि टर्मिनेशन का इस तरह से डर लोगों के अंदर बैठा दिया जाता है, उनको ये लगता है जो भाई इसके बाद हमारा जो कंपनी कहता है भाई ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको भी आप देख सकते हैं। भारत में एम्प्लॉय को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, एक तो वर्कमैन और एक नॉन वर्कमैन। वर्कमैन शब्द को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो परिभाषित किया गया है उसके तहत किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले वैसे कर्मचारी जो कि मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सुपरवाइजरी रैंक में नहीं आते हैं वो सारे वर्कमैन माने जाते हैं। सपोज कीजिए कोई मैनेजर है आप, तो वो वर्कमैन के अंदर नहीं आएगा, वो इस परिभाषा के अंदर नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपका काम सुपरवाइजर का दे दिया और आप किसी को चार्जशीट नहीं दे सकते हैं, किसी को सोकस नहीं दे सकते हैं, तब भी आप वर्कमैन में आते हैं। और किसी का अगर सैलरी ज़्यादा है, 25,000 है, 30,000 है ना, और तब भी अगर वो जो तीन कैटेगरी मैंने बताया है, मैनेजरियल का, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव का और सुपरवाइजर का, तो इसके अंदर नहीं है तब भी वो वर्कमैन में आएगा। जैसे कि जो हवाई जहाज होता है उसका जो पायलट होता है वो भी वर्कमैन के अंदर आता है। बेसिकली जो जॉब टर्मिनेशन के हैं वो तीन प्रकार हैं और तीन तरह से ही जो जॉब है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। पहला जो है वो है मिसकंडक्ट यानी कि दुर्व्यवहार, दूसरा है निर्वहन यानी कि डिस्चार्ज, तीसरा है छटनी यानी कि रिट्रेचमेंट। ये तीन तरीका है जिसके तहत से आपका टर्मिनेशन हो सकता है। अब आपको थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बताएंगे इसके बारे में, और आप अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ब्लॉग में, जो हमने इसके बारे में पूरा आर्टिकल लिखा है, उसको जाके आप पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी जानकारी कुछ भी अगर आपको उसको समझने में प्रॉब्लम हो तो उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा वहीं पर आप लिखेंगे, उसका मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि मिसकंडक्ट में क्या, मिसकंडक्ट मतलब क्या। किसी भी कर्मचारी का अगर जॉब टर्मिनेशन मिसकंडक्ट के वजह से होता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए देश में, हमारे इंडिया में जॉब टर्मिनेशन के लिए लॉ है, उसका गाइडलाइन बना हुआ है, उसको फॉलो करना होता है। उसके तहत सबसे पहले जो एम्प्लॉय गलती करता है उसको सोकॉज किया जाता है, उसको मौका दिया जाता है वो अपना पक्ष रख सके। उसके बाद फोकस करने के बाद अगर वो फेल होता है तो उसके ऊपर चार्जशीट होता है और
प्रॉपर जो कोर्ट में जिस तरह से प्रोसीडिंग चलता है उस तरह से उसकी सुनवाई होती है, मतलब वर्कर को अपने बचाव का पूरा मौका दिया जाता है, और इसके बाद अगर तब भी वर्कर फेल हो जाता है तो उसका टर्मिनेशन तब होता है। अब ये सवाल होता है कि मिसकंडक्ट में क्या क्या आता है। बेसिकली तीन चार चीज़ जो आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जो है विलक्षण अपर्याप्तता, अवज्ञा, चोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी और आदत लापरवाही आदि शामिल है। कभी भी हमने कई जगह जानकारी इकट्ठी की, उसके हिसाब से जो आपका परफॉर्मेंस है वो मिसकंडक्ट में नहीं आता है। दूसरा है मुक्ति यानी कि डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज किसको कहते हैं वो हम एक लाइन में जानेंगे, कोशिश करेंगे वीडियो लंबा ना हो। जो कर्मचारी वर्कमैन कैटेगरी में नहीं आते हैं वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनका जो सर्विस का टर्मिनेशन होता है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल होता है उसके हिसाब से होता है। अगर उनको 1 महीने के लिए रखा गया है, 6 महीने के लिए रखा गया है, 1 साल के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ना, तो उसके हिसाब से होता है। उस डिस्चार्ज के टाइम में जो एम्प्लॉय है उसको 1 महीने का जो है नोटिस पीरियड का सैलरी दिया जाता है, और कभी कभी कॉज के हिसाब से इसका अलग भी प्रावधान है। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। तीसरा है छटनी यानी कि रिट्रेचमेंट। अगर एक एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को रिट्रेंच करना होता है यानी कि छटनी करना चाहता है, तो उसके लिए अगर 1 साल से अधिक काम कर लिया तो उसको 1 महीने का नोटिस देना होता है और उसका पे करना होता है। जिस वर्कर की छटनी की जाती है अगर 1 साल से अधिक की सर्विस है तो जितने साल की सर्विस होगी उस 1 साल पर प्रति साल 15 दिन का जो सैलरी है उसके हिसाब से उसको मुआवजा देना होता है और कारण बताना होता है। अगर 100 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं तो कंसर्न अधिकारी से इसके लिए उनको पहले से अप्रूवल लेना होता है कि हम अमुक इतने वर्कर का छटनी कर रहे हैं और इस कारण से, वो कारण जो होना चाहिए वो आईडिया में जो बताया गया उसके हिसाब से होना चाहिए। ऐसे कोई किसी को छटनी नहीं कर सकता है, लेकिन आजकल तो ऐसे ही कर देते हैं जो कि गैर कानूनी है, जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आपको जब टर्मिनेट किया जाता है तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड का सैलरी दिया जाएगा, किसी किसी कंपनी में 2 महीने का भी होता है, किसी में 3 महीने का भी होता है। तो आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें जो लिखा हुआ है, या तो उनके केस में टर्मिनेट करेंगे तब या फिर आप रिजाइन देंगे तब, दोनों केस में जो भी है उसके हिसाब से आपका वो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने सपोज कीजिए आपने 5 तारीख तक काम किया और उसके बाद आपकी सर्विस टर्मिनेट की जाती है तो 5 दिन का सैलरी वो आपका बनेगा, वो उनको देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका जो भी लीव बचा हुआ है जिसको आपने यूज़ नहीं किया है उसको इनकैश करा सकते हैं आप। इसके इसके बाद जो आपका कंपनसेशन होगा, छटनी जो कर रहे हैं उसका कंपनसेशन होगा वो इनको देना होगा। उसके जो बोनस एक्ट है उसके तहत अगर आपका 21,000 रुपये तक सैलरी है तो आपको बोनस के हकदार हैं, उसके हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। इसके बाद आपका पीएफ का जो भी अमाउंट बनता है उसके लिए वो आपका हेल्प करेंगे, आपका फॉर्म भरने में और आपका पीएफ का अमाउंट दिलाने में। इसके अलावा और भी जो ड्यूज़ है वो आपको उनको देना होगा, चाहे टर्मिनेट करते हैं या रिजाइन करते हैं, दोनों स्थिति में। ऐसा नहीं है टर्मिनेट करने पे आपका वो पैसा काट लेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपका पैसा वगैरह काट लेते हैं तो आप फ्री हैं, आप लेबर कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर सकते हैं या तो फिर आप किसी वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेज करके आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हुआ होगा और आप इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं, अपने साथियों को बता सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये जानकारी होगा तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।